हेलो एवरीवन, कैसा है आप लोग। तो देखिए, इजराइल रेडीज फॉर अटैक एज अ मिलियन पीपल इवैक्यूएट। तो क्या है, चलिए देखते हैं। उससे पहले हमें एक बार पता होना चाहिए इजराइल है कहाँ पर। तो देखिए, ये है अपना प्यारा भारत। हमारे इंडिया से इधर आएगा पाकिस्तान, ईरान, इराक एंड देन सीरिया या जॉर्डन, फिर इजराइल। तो ये है इजराइल की लोकेशन। आप देखिए, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू वॉकड ऑन संडे टू डिमोलिश हमास। तो इन्होंने ये कसम खाई थी कि हमास को ख़त्म करेंगे मैप पर से। एज इज मिलिट्री प्रिपेयर्ड टू मूव इन टू द गाजा स्ट्रिप इन रिटेलिएशन फॉर अनप्रेसिडेंटेड अटैक बाय हमास मिलिटेंट 8 डे अगो विच लेफ्ट 1,300 पीपल डेड। तो आप देखिए, गाजा स्ट्रिप हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये आपका इसराइल है, ठीक है। ये इसराइल का आउटर बाउंड्री बाउंड्री हम लोग देखें, ये इसराइल हो गया आपका, ठीक है। ये देखिए, ये आपका गाजा स्ट्रिप है। यहाँ पे पेलेस्टीनियन रह रहे हैं, ठीक है। और ये आपका वेस्ट बैंक हो गया। तो इन दो जगह पे आप देखिए, आपके पेलेस्टीनियंस रहते हैं। तो ये अटैक कहाँ से हुआ है आपके, गाजा स्ट्रिप से हुआ है। गाजा स्ट्रिप कौन सा है आपका, ये वाला, ये गाजा स्ट्रिप है और ये आपका वेस्ट बैंक है। यहाँ पे रह रहे, यहाँ से जब बॉम्बार्डिंग स्टार्ट हुई, ठीक है। आप देखिए, यहाँ से जब बॉम्बार्डिंग स्टार्ट हुई तो इन्होंने फिर रिटेलिएट किया और बोला है कि अब इसको मैप से हम लोग ख़त्म करेंगे, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने। तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। इसराइल सेड इट हैज़ रिज्यूम्ड वाटर सप्लाई टू सदर्न गाजा ऑन संडे एज 1 मिलियन पीपल इवैक्यूएटेड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द बेस्टेड टेरिटरी टू स्केप द लूमिंग ग्राउंड ऑफेंसिव एंड रिटेलिएटरी एयर स्ट्राइक्स। तो इन लोगों ने जगह को खाली कर दिया, जैसा हमने बोला। तो आप देखिए, गाजा भी अगर देखें, स्ट्रिप है, तो एक है नॉर्थ गाजा और एक है साउथ गाजा। तो साउथ गाजा में उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, पानी, ये सब देना स्टार्ट कर दिया है और बोले हैं इसको तो भाई अब लेंगे। दिस विल पुश द सिविलियन पॉपुलेशन टू द सदर्न पार्ट ऑफ द स्ट्रिप। तो यही चीज है, सदर्न पार्ट ऑफ द स्ट्रिप में पॉपुलेशन आ जाएंगे। इजरायली एनर्जी मिनिस्टर इजराइल कट्स सेज इन द स्टेटमेंट अ वीक आफ्टर इजराइल हैड स्टॉप सप्लाइंग वाटर टू द एंटायर टेरिटरी एज अ पार्ट ऑफ कंप्लीट सीज। तो उनको यहाँ पे कंप्लीट सीज यहाँ पे करना था ऑन द पैलेस्टीनियन इनक्लेव। ही सेड द डिसीजन टू रिज्यूम द सप्लाई वॉज टेकन आफ्टर टॉक्स बिटवीन मिस्टर नेतन्याहू एंड द यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन। तो जो बाइडन से बात हुई तो उन्होंने बोला भाई दे दो यार आधे में। तो इन्होंने बोला चलो दे देते हैं, तुम कह रहे हो तो ये बात हुई है, ठीक है। वाटर हैज ऑलरेडी रन आउट एट अ यूएन शेल्टर अक्रॉस द गाजा एज थाउजेंड पैक्ड इन टू अ कोर्टयार्ड ऑफ द टेरिटरीज लार्जेस्ट हॉस्पिटल एंड ओवरवेलम्ड डॉक्टर स्ट्रगल टू केयर फॉर पेशेंट्स द फियर विल डाई वंस जनरेटर रन आउट ऑफ फ्यूल। तो वहाँ के हॉस्पिटल की भी ये सिचुएशन है, अगर फ्यूल नहीं रहा तो पेशेंट्स नहीं रह पाएंगे। पैलेस्टीनियन हेल्थ वर्कर आर स्टोरिंग बॉडीज इन आइसक्रीम फ्रीजर ट्रक्स बिकॉज मोर मूविंग देम टू हॉस्पिटल इज रिस्की एंड सिमेट्रीज आर फुल। तो वहाँ के जो सेमेट्रीज है वो फुल है और हॉस्पिटल में ले जाना रिस्की है, तो लोग अपने आइसक्रीम फ्रीजर के ट्रक में बॉडी को रख रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड। अथॉरिटीज इन गाजा सेड मोर देन 2,670 पीपल हैव बीन किल्ड इन द इजराइल एयर स्ट्राइक्स सो फार एंड नियरली 10,000 वुंडेड। तो इतने लोग तो भाई अभी मर चुके हैं और इतने लोग वुंडेड हैं इजराइल के रिटेलिएशन से। अब देखते हैं डिप्लोमेटिक एफर्ट्स क्या है। विथ फियर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट स्पिलिंग ओवर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन कंटिन्यूड हिज रैपिड टूर टू वेस्ट एशियन नेशन सीकिंग टू प्रिवेंट एस्केलेशन एंड सिक्योर द रिलीज ऑफ 126 हॉस्टेजेस इजराइल सेज वर टेकन बाय हमास बैक इनटू गाजा। देखिए, यहाँ पे यूएस वही चाह रहा है कि भाई ऐसा कोई एस्केलेट मैटर ना हो जाए कि और भी पावर्स कूदे, सिंपल सी बात, वर्ल्ड वॉर ना छिड़ जाए, यही कारण था। तो वो लोग बोल रहे हैं कि भाई आप लोग हॉस्टेजेस दे दो, यही सब बात। यूएस उस चीज़ को नॉर्मलाइज करने की बात
कर रहा है कि ठीक है जो हो गया आगे देखते हैं। जैसे हमने देखा इन लोग को कह रहे हॉस्टेज दे दो, इसराइल को बोल दिया वाटर सप्लाई कर दो, कहीं ना कहीं यूएस यहाँ पे मीडिएटर का काम कर रहा है। अरब लीडर्स स्ट्रेस द नीड टू प्रोटेक्ट गाजा सिविलियंस, तो अरब लीडर बोल रहे हैं भाई गाजा सिविल। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, ये अरब लीडर जो भी बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ चलो यहाँ पे इसराइल गलत कर रहा है, स्टार्ट किसने किया? मेरा बस एक क्वेश्चन है, स्टार्ट किसने किया, पहले अटैक किसने किया? तो उस समय तुम्हारे इजरायली सिटीजन सिविलियंस नहीं थे? तो ये मेरे को, ये लोग, ये भाई ये जो धर्म के ऊपर करते हैं, मेरे को ये लोग सबसे बड़े बेवकूफ़ लगते हैं। द रिएक्शन वेंट बियॉन्ड द राइट टू सेल्फ डिफेंस, टर्निंग इनटू कलेक्टिव पनिशमेंट, सेड इजिप्ट प्रेसिडेंट अब्दल फताह अल सीसी। तो इसने ये बोला है कि यहाँ पे सेल्फ डिफेंस से ज़्यादा ये चीज़ हो रहा है, कलेक्टिव पनिशमेंट से अब इसको टर्न कर दिया गया कि भाई जो नहीं भी किया है वो भी पनिश हो रहा है यहाँ पर अब। तो ठीक है, रिन्यू क्लैशेस ऑन इजराइल बॉर्डर विद लेबनन ऑन संडे अंडरस्कोर द डेंजर ऑफ रीजनल स्पिल ओवर। तो आप देखिए ये रहा आपका लेबनन, ठीक है, तो बोल रहे हैं यहाँ पे भी एस्केलेट हो सकती थी सिचुएशन कि स्पिल ओवर इफेक्ट। स्पिल ओवर इफेक्ट मतलब लड़ाई यहाँ हो रही है, इधर चली जाए पहुँच जाए लड़ाई, इधर पहुँच जाए लड़ाई, इधर पहुंच जाए लड़ाई, इधर पहुंच जाए लड़ाई। तो ये स्पिल ओवर इफेक्ट कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि सब लोग आके अब इसराइल से लड़ रहे हैं, ठीक है। बस अब ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने बोला है, तो इजिप्ट कहाँ पर है आप देखिए, ये सिनाई पेनिनसुला है, ठीक है, ये इजिप्ट का है, पहले इसी का होता था, और 19 मतलब योम किपुर वॉर में इसको इसराइल दे दिया इजिप्ट को, यूएस वहाँ पे डील को मीडिएट करवाया था। तो ये इन्होंने बोला है कि भाई अब तो ये कलेक्टिव पनिशमेंट हो रहा है, बस सेल्फ डिफेंस की बात नहीं है। हमास आर्म्ड विंग अल कसम ब्रिगेड सेड इट फायर 20 रॉकेट्स फ्रॉम लेबनन ऑन टू इजरायली सेटलमेंट, व्हाइल लेबनन ईरान बैक ग्रुप हिजबुल्ला सेड इट टारगेटेड बैरक्स इन इजरायल हनीता विथ मिसाइल्स एंड हैड इन्फ्लिक्टेड कैजुअलिटीज। इजरायल सेड इट वॉज स्ट्राइकिंग लेबनन इन रिटेलिएशन, कि भाई रिटेलिएट कर रहे हैं तो लेबनन को भी मार रहे हैं। नो एस्केप पॉसिबल, क्या सम पैलेस्टीनियन हु वेंट साउथ सेड दे वर हीडिंग बैक नॉर्थ बिकॉज दे वर अटैक्ड वेर एवर दे वेंट। हुसम अबू सफिया एंड इंटेंसिव केयर डॉक्टर ऑन अ